गुड मॉर्निंग, मैं हूँ यहाँ पे वाशिंगटन में और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम वर्जीनिया में जो है। एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम दो लोकेशन में है, एक म्यूज़ियम लेकिन है दो लोकेशन में, एक है वाशिंगटन डीसी में और दूसरा है वर्जीनिया में। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वर्जीनिया वाले एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में। लास्ट टाइम जब हम गए थे हम वाशिंगटन वाले में गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो काफ़ी कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हैं हम, काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। और मेरे साथ जा रहे हैं दानिश सर। दानिश सर एक्साइटेड? वेरी मच एक्साइटेड। देखते हैं वहाँ पे क्या नया नया है और एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं जल्दी। और अभी वेदर की बात करूँ तो ठंड है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जैकेट वगैरह पहनी हुई है, लेकिन आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप आ गई है। कल तो पूरे दिन भर बारिश हुई है। तो यहाँ से अभी कम से कम हमको एक घंटे का टाइम लग जाएगा। जो नियरेस्ट स्टेशन है टाइसन कॉर्नर, टाइसन कॉर्नर से सिल्वर लाइन से इनोवेशन सेंटर, पूरे रिसर्च करके आया हूँ मैं। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं एयर एंड स्पेस म्यूजियम वर्जीनिया। अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ उस जगह का नाम है मैकलिन टाइसन कॉर्नर और ये वर्जीनिया में है। और जहाँ अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम यहाँ पे वर्जीनिया में, जो कि चैंटले में है। तो यहाँ से पीछे देख सकते हैं ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है टाइसन कॉर्नर। टाइसन कॉर्नर से हम जा रहे हैं अभी इनोवेशन सेंटर की तरफ और व्हील भी आप उतर सकते हैं, इनोवेशन सेंटर भी उतर सकते हैं। वहाँ से आपको बस पकड़नी पड़ेगी, 983 नंबर है उसका वहाँ पे। सो काफ़ी कुछ नया देखने वाले यहाँ पे। वाशिंगटन से तो ये बहुत बड़ा है, दो इतने बड़े हैंगर्स है, इतने एयरक्राफ्ट्स है यहाँ पे, स्पेस से रिलेटेड काफ़ी नई चीज़ें आप देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो जुड़े रहिए इस ब्लॉग के साथ। इजी प्रोसेस है यहाँ पे, आप कार्ड वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसा स्मार्ट ट्रिप कार्ड बना लीजिए तो काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इसके और काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो जाता है बस में भी, इवन ट्रेन में भी। सो कैश लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आते ही सीधे मेट्रो मिल गई। जाने के लिए हम टाइसन कॉर्नर में थे, अब हम उतरेंगे इनोवेशन सेंटर में, सिल्वर लाइन मेट्रो स्टेशन में हमें जाना है। तो यहाँ हमको उतरना है। और अगर कभी आप वाशिंगटन में व्हाइट हाउस देखने के लिए जाते हैं, नेशनल मॉल देखने के लिए जाते हैं, तो आप अगर वाशिंगटन वाली एयर एंड स्पेस म्यूजियम जाना है तो उसके लिए आपको किसी भी फेडरल ट्रायंगल, मैकफर्सन स्क्वायर, कहीं पर भी आप उतर सकते हैं। सो यही सिल्वर लाइन जाती है। तो वर्जीनिया में मैं हूँ तो टाइसन कॉर्नर नियरेस्ट स्टेशन है, तो मैं उतरूँगा इनोवेशन सेंटर में। वो सामने है गूगल का ऑफिस। सो हर एक ट्रेन स्टेशन में आपको यहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं एयर एंड स्पेस म्यूजियम को लेके, कि लास्ट टाइम मैं वाशिंगटन वाले में गया था तो वहाँ काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी। एविएशन का मेरे को उतना पसंद नहीं आया था जितना मेरे को स्पेस से रिलेटेड काफ़ी नई चीज़ें देखने के लिए मिली थी। सो यहाँ पे स्पेस प्लस एविएशन दोनों का दोनों हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बस स्टॉप्स हैं। तो हमें जाना है उडवर हेजी सेंटर। सो ये 983 जाता है तो बस का वेट करना पड़ेगा, देखो कितना टाइम लगता है। और वैसे आज मौसम अभी धूप आ रही है लेकिन ठंड है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है कानों में। बस बे ये है आपका 983। तो यहाँ से उडवर हेजी एयर एंड स्पेस म्यूजियम। सैटरडे है क्योंकि आज, तो हर एक घंटे में, अभी मैं टाइमिंग देख रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन शो कर रहा था कि हर 25 मिनट में, लेकिन आज सैटरडे है तो सैटरडे हर एक घंटे में। तो अभी 9:15 हो रखा है, अभी मैंने टाइम देखा, मुझे लगा कि 10 बज गया होगा लेकिन 9:15 हो रखा है। तो कम से कम एक घंटा हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे बस के लिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हालाँकि यहाँ से ज़्यादा दूर होगा नहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, तो धूप सेक लेते हैं तब तक। आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद धूप ही धूप सेकने को मिल रही है। एक घंटा
वेट करने के बाद ये बस आई है। एक घंटा प्रॉपर वेट किया हमने। थैंक यू। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे उडवर्ड हेजी सेंटर यानी कि एयर एंड स्पेस म्यूजियम वर्जीनिया में। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम। और अभी जहाँ इनोवेशन सेंटर मेट्रो स्टेशन से हम बैठे थे बस में, तो ये डायरेक्ट बस आती है एयर एंड स्पेस म्यूजियम के लिए ही बनी हुई है, 983 बस नंबर। और इसमें हमको लगे 15 मिनट। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये है यहाँ पे एयर एंड स्पेस म्यूजियम वर्जीनिया में। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, पार्किंग का है यहाँ पे $15 चार्ज है जो आपको पे करना पड़ता है। एंट्री की मैं बात करूँ तो एंट्री फ्री है, कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है और इवन आपको इनरोल भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप एयर एंड स्पेस म्यूजियम वाशिंगटन के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा और उसके आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे ऐसा कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए है नहीं, यहाँ पे फ्री एंट्री है, आप फ्री में आ सकते हैं। एंट्री करते ही जो सबसे पहली चीज आई है वो है आपका बोइंग एविएशन हैंगर। एक एक्साइटमेंट लेवल अलग है, मज़ा आ गया। अभी मैंने जो आपको यहाँ पे जो मेन बता देता हूँ जिसको देखने के लिए मैं आ रखा हूँ, एक है स्पेस शटल ऑर्बिटर और दूसरा है SR-71 ब्लैकबर्ड। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक स्पाई प्लेन था तो कि 1989 में US एयरफोर्स ने इसको फेज आउट कर दिया अपनी फ्लीट से, और इवन 1999 में नासा ने कर दिया। तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्लेन था, इसकी जो स्पीड थी Mach 3, जो मैक्सिमम इसने रीच की थी वो Mach 3.3 थी, यानी कि 3400 किलोमीटर्स तक की स्पीड, और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मतलब सोचो 1990 में तो मैं पैदा हुआ, उसके बाद 1989 में इसको फेज़ आउट भी कर दिया। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांसमेंट देखो, क्या चीज़ नहीं है। हैंगर देखो, इतना बड़ा हैंगर। ये तो अभी एविएशन का है, बोइंग एविएशन। एंटर करते ही बोइंग एविएशन हैंगर आता है, फिर हम स्पेस वाले में जाएंगे। सो इंटरेस्टिंग, काफ़ी नई चीज़ें आप देखने वाले हैं इसमें। सो दोस्तों, मैं इसी एयरक्राफ्ट की बात कर रहा था, ये है आपका Lockheed का SR-71 ब्लैक बर्ड। इसकी जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्लेन था, 1989 में एयरफोर्स ने इसको फेज आउट कर दिया अपनी फ्लीट से, और नासा ने 1999 में इसकी जो हाईएस्ट स्पीड थी वो थी 3400 किलोमीटर की स्पीड। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था जिसमें इसने लॉस एंजलिस से इसने वाशिंगटन देखिए फ्लाइट 1 घंटा 4 मिनट और 20 सेकंड में करी थी। अमेजिंग। सोचो 1989 में तो US एयरफोर्स ने सुनली फ्लीट से हटा दिया इसको। It was designed in the 1950s using slide rule. That's how old it is. Wow. What do they use that's comparable these days? I'm sorry, what do they use now? Yeah, what's comparable? Okay. Basically, this was an extremely expensive aircraft to build and operate and maintain. US सिस्टम में सबसे आइकनिक प्लेन SR-71 ब्लैकबर्ड हमने देखा है एंटर करते हैं। और ये अब आप पीछे देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर है ये वर्ल्ड वॉर टू के एयरक्राफ्ट जो भी थे तो सारे के सारे यहाँ पे इस तरफ को डिस्प्ले कर रखे हैं। तो आइए ये एक्सप्लोर करते हैं।
मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा अभी रिसेंटली रिलीज मूवी में, जो कि टॉप गन मैवरिक में जो डॉग फाइट होती है वो इसी एयरक्राफ्ट के साथ होती है। ये एयरक्राफ्ट था जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था 1970 में। ये जितने भी एयरक्राफ्ट अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत पुराने या तो 1960s में बने हुए या 1940। वो JRS-1 हमने देखा था, पूरी एयरक्राफ्ट की हालत ख़राब थी, जो कि जापनीज वॉर जो पर्ल हार्बर हवाई का 1941 में हुआ था, वो तब का रिमेनिंग एयरक्राफ्ट है, वो अभी तक इन्होंने प्रिजर्व करके रख रखा है। यहाँ पे टॉप गन मैवरिक का जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था वो एयरक्राफ्ट है। एंड प्लस ये देख सकते हैं सारे के सारे एडवांस्ड और जो भी पुरानी यूज़ हो चुके हैं, जो कि फेज आउट हो चुके हैं अभी, वो सारे के सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी अच्छा टाइम निकाल के आपको आना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, ये है आपका EA-6B प्रॉलर, इसके विंग्स पूरे के पूरे फोल्ड हो जाते हैं। क्या रखा हूँ, जॉइंट स्ट्राइकर फाइटर में यह पीछे एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि 2001 में बना था। ये वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जेट एयरक्राफ्ट फर्स्ट डिज़ाइन हुआ था वही ये एयरक्राफ्ट है। वॉट RF-8G क्रूसेडर, ये बना था आपका 1959 में, तब इसने पहली फ्लाइट की थी। RF-8G क्रूसेडर, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी और ये बन गया था 1959 में। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में इतना हाई स्पीड एयरक्राफ्ट बनाना, एक अलग ही स्पीड 1800 की स्पीड से चलने वाला। और इसके विंग स्पैन भी जो है वो पूरे के पूरे फोल्ड हो जाते हैं, आप वो देख सकते हैं कॉर्नर में पूरे के पूरे ऐसे करके एजेस इसके ऐसे करके फोल्ड कर रखे हैं विंग स्पैन। नहीं सर, कैसा लग रहा है? एक नंबर, मतलब अनबिलीवेबल, ऐसा कभी देखा ही नहीं था मैंने। जापान में है बट उससे ज़्यादा एक्सप्लोर अगर करना है तो यहाँ आ गए। बहुत पीछे, अभी तो शायद मेरे को लगता है 1/4 कन्फ्यूज हो चुके हैं हम लोग, हम कहाँ जाएं क्या करें, क्योंकि इतना कुछ एयरक्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ है और पढ़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आई एम आउट ऑफ माई वर्ल्ड। सो मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दी, थोड़े बहुत ब्लॉग्स हैं वो बाद में बनाऊंगा, अभी पहले मैं समझ। अभी तो स्पेस वाला
अब जो स्पेस वाला रहता है यार, अभी तो वो रह गया, इतना ह्यूज है कि आप पगला जाओगे, पगला जाओगे। जैसे दानिश सर ने बताया कि बहुत बड़ा है ये हैंगर, जैसे आप एंटर करते हो आपको एक तो ऊपर से जैसे आप देखते हो कि बहुत बड़ा हैंगर है, इतना बड़ा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कम से कम 100 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा तो एयरक्राफ्ट यहाँ पे रखे ही होंगे या लटकाए हुए एयरक्राफ्ट है। ये यहाँ पे मैं पहुँचा अभी कमर्शियल एयरक्राफ्ट के वहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं वो इनका -80 एयरक्राफ्ट है, 1954 में ये बना था ये वाला एयरक्राफ्ट। अभी पहले हमने मिलिट्री एयरक्राफ्ट देखे, जो टेक्नोलॉजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट देखे, तो काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है कि फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट था, तो वो था कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट, जिसके स्पेयर पार्ट भी शायद मैंने कभी पेरिस में जब आपको लेके गया था तो पेरिस के एयरपोर्ट में भी वो रखा हुआ है। तो सामने मेरे है कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट, वो देखिए। इतना सब कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, मैं आपको पूरे अच्छे से दिखा भी नहीं सकता। इवन मेमोरी कार्ड पूरा फुल हो जाएगा, दो बैटरीज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, जबकि अभी मैं घूम रहा हूँ बोइंग के एविएशन वाले उसमें, अभी तो स्पेस वाला बचा हुआ है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं हैंगर इतने बड़े हैं, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 से एयरक्राफ्ट से लेके बोइंग के पुराने एयरक्राफ्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, और हमने वो जेट्स देखे हैं, और जो रिसेंटली मूवी में मैवरिक में यूज़ हुआ था, टॉप गन मैवरिक में वो एयरक्राफ्ट हमने देखा। तो काफ़ी नए नए एयरक्राफ्ट जिसमें US प्रेसिडेंट को लेके जाता है वो हेलीकॉप्टर जो था मरीन्स करके, तो वो हमने इसमें कवर कर रखा है। तो आप ये पीछे देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट बोइंग के एयरक्राफ्ट हैं, और ये यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के सारे एयरक्राफ्ट डिस्प्ले कर रखे हैं। हमने फास्टेस्ट कमर्शियल जेट जो कि कॉनकॉर्ड एयर फ्रांस का बना हुआ है, तो वो हमने कवर किया, प्लस हमने स्पाई एयरक्राफ्ट जो US आर्मी का था वो हमने कवर किया। तो इतनी सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा दिन निकल जाएगा। इवन आधी चीज़ें तो हम जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ, पूरी शायद मैं इस वीडियो में भी कवर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि बहुत कुछ है, इतना बड़ा हैंगर है, कम से कम 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट यहाँ पे रखे होंगे, एक के बाद एक के बाद एक, एक एयरक्राफ्ट के नीचे दूसरा एयरक्राफ्ट, फिर उसके बगल में बहुत स्पेस का सही यूटिलाइजेशन कर रखा है, एंड बहुत भीड़ है, बहुत अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिल रही है।
business casual probably. And then you put on your LCVG. This is for your cooling. Mm-hmm. There should be somebody to help grab this. Yes, it's going to be probably a two-person process. There should be a picture here. You can only see one in here, but obviously there's a cameraman to take the picture. So there's multiple people always on the spaceship, on the space station, and that's going to help you suit up. So you're never going to have to do this alone. It's always going to be at least a two-person process. This comes in three parts, more or less. You have your helmet, you have your torso, and you have your pants. Also, you have your gloves and your boots, but for the most part, we have our helmet, torso, and pants. They can still let a little bit out. What are the reasons why astronauts go out of their spaceship and walk and do something? Do they do some kind of research? Yeah, they do. So, it could be experiments. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है. पीछे आपने देखा कि कैसे करके आप कितनी लेयर्स होती हैं स्पेस सूट के अंदर और कैसे उसको पहना जाता है और स्पेस सूट के बारे में बताया गया था. आप अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे. तो अब ये है इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का. अब हम पहुँचे हैं ये स्पेस वाले हैंगर में. आप पीछे देख सकते हैं ये है स्पेस शटल ऑर्बिटर डिस्कवरी जो कि 2011 में फेज आउट हो गया था. चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसको नज़दीकी से. The size of the tiles worked out pretty well. Actually more than that today, though. Oh my god! ये सारे के सारे हीट से बचाने के सिलिका टाइल्स लगे हैं. कम से कम 27,000 से ज़्यादा सिलिका टाइल्स लगती हैं इसमें. नीचे साइड आप देख सकते हैं ये कुछ हाइलाइट्स हैं डिस्कवरी मिशन की. लास्ट 2011 था और जो फर्स्ट मिशन इसने किया था 1984 में. स्पेस हैंगर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं. यह है स्पेस शटल ऑर्बिटर डिस्कवरी. टोटल स्पेस शटल अभी तक बनी थी 6, जो कि सबसे पहले थे एंटरप्राइज जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ हुई थी, जो कि अर्थ में ही यूज़ किया गया था, उसको स्पेस में नहीं भेजा गया. उसके बाद आपकी कोलंबिया थी, चैलेंजर थी, फिर आपकी अटलांटिस थी, एंड देन एंडेवर और डिस्कवरी. ये 5 थी. सबसे लास्ट में आपकी एंडेवर थी शायद, और 2011 में इसको ख़त्म कर दिया गया. और ये डिस्कवरी वाली इसकी जो लास्ट उसने जो फ्लाइट कर रखी थी वो थी 2011 में. बहुत अमेजिंग. नासा ने कम से कम स्पेस शटल की अगर मैं बात करूँ, नासा ने कम से कम 30 साल इस चीज़ को यूज़ किया है. इसमें 135 प्लस मिशन इन्होंने पूरे किए. और ये कार्गो और मेंस को ले जाने के लिए यूज़ होता था यहाँ पे स्पेस शटल. तो ये एक स्पेस शटल डिस्कवरी यहाँ पे रखा गया है. और अगर आपको याद है कि 2003 में इंसिडेंट हुआ था जिसमें कल्पना चावला हमारी जो एस्ट्रोनॉट इंडिया की थी, तो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट थी, तो उनकी डेथ हो गई. तो वो जो स्पेस शटल में थी वो थी स्पेस शटल कोलम्बिया. 2003 में वो इंसिडेंट हुआ था. आज तक मैं ये सब चीज़ें टीवी में देखते रहा, तो फर्स्ट टाइम मैं लाइव देख रहा हूँ यहाँ पे. तो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. अभी बोइंग एविएशन हैंगर में इतना सब कुछ था, अभी स्पेस हैंगर में इतना सब कुछ है. आप पीछे देख सकते हैं आज तक ये सब चीज़ें स्पेस या तो मूवीज़ में देखी है, नहीं तो फिर किसी टीवी में ही देखा है लॉन्च टाइप के टाइम में. अगर मैं बात करूं तो जब ये लॉन्च की जाती थी तो ये की जाती थी अभी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से. तो ये जो है स्पेस शटल ऑर्बिटर पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है. इसको कंप्लीट स्पेस शटल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये स्पेस शटल ऑर्बिटर है. इसके साथ SRM लगे रहते थे, सेकेंडरी रॉकेट मॉड्यूल, जो कि 2 लगे रहते थे जो रीयूजेबल होते थे. और इसके अलावा एक ऑयल टैंक रहता था जिसमें एक्सेस में ऑयल टैंक भेजा जाता था. जब ये लॉन्च होता था तो आप देखेंगे 2 छोटी छोटे रॉकेट साइड में लगे रहते हैं, एक ऑरेंज कलर का बीच में लगा रहता था. तो बीच में जो ऑयल टैंक होता था वो रीयूजेबल नहीं होता था. वो एक टाइम ऊपर जाने के बाद फिर वो बर्न होकर नीचे उसको छोड़ दिया जाता था. फिर ये ऑर्बिटर रिलीज़ हो जाता था. और पहले 2 सेकंड में जैसे लॉन्च होता था तो इसको पावर करते थे SRM, जो रॉकेट मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ. तो पहले दो मिनट तक वो चलता था, 6.5 मिनट तक फिर आपका ऑयल टैंक चलता था, फिर उसके बाद ये खुद अपने इंजन्स में आ जाता था.
ये पूरा का पूरा स्पेस शटल। और ये स्पेस शटल मैं आपको बता दूं, आपको जान के खुशी होगी कि ये 90 मिनट में पूरा अर्थ का चक्कर लगा देता था, मतलब यानी कि आप मान के चलो 228,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये 135 मिशंस अभी तक कर चुके हैं स्पेस, जितने भी शटल बनी ना अभी तक 6 बनी, जिसमें से एक ही यूज़ नहीं होती, जो नंबर सबसे पहले टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है एंटरप्राइज, बाकी आपकी कोलंबिया और चैलेंजर डिस्ट्रॉय हो गई थी, और बाकी आपकी अटलांटिस, डिस्कवरी और एंडेवर बची है, बस कोलंबिया और चैलेंजर्स ये दो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये सारे के सारे सैटेलाइट्स हैं। That's called the program. So what they do is they go into a roll and then they go like that. And that's because of the orientation of the rockets. That's the most efficient way to vector the rocket into space. Okay. Does that make sense? Yeah. But you're correct. Mostly for you're saying like for balance and then also position of the thrusters. Right. Because the solid rocket motors here, the external things here, the solid rocket motors on either side, the shuttle's kind of hovering. सोचो 90 मिनट में ये ऑर्बिटर पूरा अर्थ का चक्कर लगा देता था 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो नीचे जो आप टाइल्स देख सकते हैं छोटी छोटी, ये सिलिका टाइल्स होती हैं जो कि हीट से बचाती हैं उसको, हीट से बचाने के लिए ये टाइल्स लगाई जाती है। कम से कम 27,000 से ज़्यादा टाइल्स लगी हुई है इसमें। कमांड मॉड्यूल It's 60 feet long, 15 feet across, and we could lift 50,000 Earthweight pounds. So you needed a pretty good size. ये आप पीछे सकते हैं, यहाँ पे वॉलंटियर जो हैं प्रॉपर स्क्रीन्स लगी हुई हैं, लाइव हैं वो, और आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कोई उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और बाकी वो पूरे का पूरा स्पेस शटल के बारे में आपको बता रहे हैं। यहीं पर ही नहीं, पीछे जो हमने देखा था आपका S-71 ब्लैकबर्ड जो हमने देखा था, वहाँ पर भी वॉलंटियर हमने देखे थे, बाकी वॉलंटियर और भी हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह सकते हैं, कोई भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके जाएंगे आप अपने साथ। सो काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, जो चीज़ आज तक मैंने टीवी में देखा तो आज मैं अपने लाइव अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ, तो ये फीलिंग अलग है, शायद मैं इसको बयान नहीं कर सकता। लास्ट टाइम जो मैं एयर एंड स्पेस म्यूजियम वाशिंगटन में गया था, वो भी मैंने एक्सप्लोर किया था, वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा ये है। खैर उसमें भी स्पेस सेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो आधे से ज़्यादा मेरी नॉलेज स्पेस को लेके वो उधर से ही बढ़ी थी, तो लास्ट टाइम मैं वहाँ गया था, इस टाइम मैं इधर आया, तो अगली बार कहीं और लेके जाऊँगा मैं आपको। थैंक यू। आपको सब चीज़ बताई गई हैं कि स्पेस में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं, क्या उनकी टूल किट होती है, क्या क्या खाने के लिए होता है, सब चीज़ इवन डिस्प्ले में भी रख रखा है यहाँ पे। उनका जो स्पेस सूट होता है, कम से कम उसमें 14 लेयर्स होती हैं, 14 लेयर्स का वो होता है, जो कि इसको हीट से उनको बचाता है, प्रेशर से बचाता है। अंदर सबसे पानी वाली लेयर होती है, जो कि इटसेल्फ 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, तो टोटल 14 लेयर्स होती हैं स्पेस सूट के अंदर। आप सोच सकते हो जो आउटर लेयर होती है वो बुलेट प्रूफ होती है, और सर कौन सी होती है बुलेट प्रूफ और आउटर लेयर? फायर प्रूफ।
वो जो आउटर लेयर होती है वो बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ होती है. सो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और एक स्पेस सूट की कीमत कम से कम $15 बिलियन $15 बिलियन बोला था ना स्पेस सूट की कीमत. एक स्पेस सूट की कीमत कम से कम $15 बिलियन की होती है. आप सोच सकते हैं कि 14 लेयर्स का बनता है. सो ऐसे काफ़ी नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं. आज तक तो चीज़ें हमने बस देखी हैं यहाँ पर लोगों ने करके 1970s में जब ये मॉड्यूल लैंड करवा सकते हैं किसी प्लानेट में. सो ये क्या नहीं कर सकते. SR-71 में जाते हैं. ये SR-71 वन सीटर है ना. हाँ सिंगल सीट भी तो देखो कैसे. पीछे मेरे मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी आप देख सकते हैं. जब भी वो स्पेस से आया करते थे एस्ट्रोनॉट तो उनको यहाँ पे क्वारंटीन करके रखा जाता था. काफ़ी कुछ रीजंस है तो उसके लिए ऐसे एक मॉड्यूल था ये पूरा का पूरा मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी ये नासा ने बनाई. मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं हक्के बक्के से हो गए भाई साहब. क्यों शॉकिंग में चला गया हूँ ना. ये एयरक्राफ्ट का वो एयर स्पेस म्यूजियम का एयरक्राफ्ट मॉल ज़्यादा लग रहा है. यहाँ पे एयरक्राफ्ट वेरियस वेराइटीज ऑफ एयरक्राफ्ट की मॉल्स जैसे होते ना मॉल्स के अंदर सारे एयरक्राफ्ट आपको एक ब्रांड मिल जाता है वैसा भाई बुरा हाल है यहाँ पे. एक दिन का काम नहीं है आप थक जाओगे लेकिन मज़ा आपको बहुत आएगा. तब इतना ट्रांसफॉर्मेशन एविएशन में हमने नहीं देखा. दो हैंगर वो भी इतने बड़े जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे ख़त्म होने के यार. एक मतलब एक अच्छा उससे और बेहतर उससे दूसरा अच्छा उससे और बेहतर उससे दूसरा अच्छा मतलब यू आर कन्फ्यूज टोटली कन्फ्यूज. हमने नीचे टॉप गन मैवरिक का एयरक्राफ्ट दिखाया था आपको जो एयरक्राफ्ट इस मूवी में था फीचर किया गया था. और ये सारे सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड अगर हम जाएंगे तो सारी स्पेस की बात होती है स्पेस सूट के बारे में जो कि 15 बिलियन का स्पेस सूट है. क्या नई नई चीज़ें तो एक्सप्लोर करना बनता है. फटाफट इंडिया भी इस चीज़ पे काम वर्कआउट करना शुरू कर दे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. जब हम इन लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये लोग कितने एडवांस हो गए हैं. 2071 के एयरक्राफ्ट जो डिसमेंटल और डिस्कार्ड कर दिए 1955 में 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनका जेट एयरक्राफ्ट चलता था और पूरे वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग ये तो 1970s में एयरक्राफ्ट बन चुके हैं.
यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टावर भी है जहाँ पे आपको सारा का सारा व्यू मिलता है, डल्लस एयरपोर्ट का पूरा व्यू मिलता है, आप टेक ऑफ लैंडिंग देख सकते हैं और 360 व्यू आप ले सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन टावर का। ये देखिए यहाँ से आपको डल्लस एयरपोर्ट का पूरा व्यू मिलता है, वो पूरा पीछे का पीछे रनवे है, वहाँ पर ILS लगे हुए हैं, लैंडिंग सिस्टम। ऑब्जर्वेशन टावर से हैंगर का साइज देखिए आप, कितने बड़े हैंगर। हेलो लूसी, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन टावर, यहाँ पे है बोइंग का हैंगर, यहाँ पे है स्पेस का हैंगर, प्लस यहाँ पे है एयरबस का IMAX थिएटर जिसमें अलग अलग मूवीज प्ले होती हैं टाइम टू टाइम। सो ये है टिकटिंग काउंटर यहाँ पे। सो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं फैमिली के साथ हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं पूरे बोइंग के हैंगर, स्पेस के हैंगर घूमने के बाद, ऑब्जर्वेशन टावर के बाद। सामने आप देख सकते हैं, पीछे है मेरे यहाँ पे एयरबैग्स का IMAX थिएटर जिसमें कम से कम 6-7 मूवीज़ हैं, 2D 3D मूवीज़ हैं, तो उसके अलग अलग शो टाइमिंग्स हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी आपको सूट करता है तो वो मूवी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे म्यूज़ियम स्टोर में, यहाँ पे म्यूज़ियम स्टोर है प्लस यहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं और यहाँ पे सोविनियर शॉप भी है, तो वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। I got transferred by the airports all the time. Now, packing those airplanes, that's good. Now, I said to Jackson, the best wishes for your future. मेरे पीछे देख सकते हैं सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लाइन देखिए, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो सिमुलेटर्स लगे हुए हैं, वो प्रॉपर फील आएगा आपको, अमेजिंग। एक बहुत प्यारा दिन, तो मज़ा आ गया एयर एंड स्पेस म्यूजियम चैंटली वर्जीनिया में, काफ़ी नया, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, आने से मज़ा एक नंबर। तो आप आ सकते हैं कभी भी आप यहाँ पे हैं तो आसपास, ये मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आना तो बनता है। सो बाहर निकलते ही बस भी हमको मिल गई, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा दिन यहाँ पे भी था। अब हम जाते हैं वापस अपने होटल की तरफ। सो दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूँगा, टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखें। मैक्सिमम फेयर है $6 का और मिनिमम है आपका 3.85, लेकिन आपको मैं बताऊं अगर सैटरडे संडे है तो आप कहीं पे भी जाए, किसी भी स्टेशन में जाए तो आपको $2 पे करना है, दैट्स इट। अभी जाके मुझे पता लगा कि आज सैटरडे है और सैटरडे और संडे को आप कहीं भी ट्रैवल कीजिए तो आपके बस $2 चार्ज कटेगा कहीं पे भी मेट्रो से, और वहीं पर अगर आप वीकडेज में करते हैं, पीक आवर्स में करते हैं तो $6 तक का फेयर चले जाता है और नॉर्मल जो बेसिक फेयर है वो है $3.85 तक का। सो ऑफ पीक आवर्स में कम है और सैटरडे से संडे को उससे भी ज़्यादा कम है।
सो ये पूरा का पूरा हमने कवर किया एयर एंड स्पेस म्यूजियम, और अगली बार आऊँगा तो अगली बार आपको इधर के जू लेके जाऊँगा। और बाकी अगर आप वाशिंगटन का एयर एंड स्पेस म्यूजियम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में भी जा सकते हैं joshimaestro.com, नहीं तो उसके लिए ब्लॉग है ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं एयर एंड स्पेस म्यूजियम वाशिंगटन का, नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। सो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी। ऐसी नई वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलता हूँ। So thanks, bye.